सुनो भाइयों एवं बहनों, आज दिनांक है 8 नवंबर 2016। रात्रि के 8 PM पर 500 और 1000 के नोट को लीगल से इनलीगल करार दिया जाता है। ऐसा फैसला किसका था? मोदी सरकार का, RBI गवर्नर के तहत। RBI का कहना था कि 500 और 1000 के नोट के बदले हम आपको एक कलरफुल नोट देना चाहते हैं, 2000 रुपया का नोट जो आपके सामने है। सो मुद्दा यह है कि जिस गवर्नर ने वर्ष 2016 में इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन में लाया, उसी गवर्नर ने इसी 2000 के नोट को वर्ष 2023 में दोबारा नोटबंदी करना चाह रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऐसा फैसला लिया, ये सारी बातें करने वाले हैं इस सेशन में। और आपको किस डेट से लेकर के किस डेट तक में आपको उस नोट को बैंक में एक्सचेंज कराना है ना, सारी बातें करने वाले हैं। और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितने अमाउंट में आप पैसे को जमा करा सकते हैं। हम यह भी बात करेंगे कि जो वर्ष जो सन 1946 में अपने इंडिया में पहली बार नोटबंदी हुआ था, उस टाइम पर RBI गवर्नर का सबसे बड़ा किस अमाउंट पर नोट था, वो भी बात करेंगे। और आज के टाइम पे भी जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा नोट है वो किस अमाउंट में है, यह भी बात करने वाले हैं। तो इस सेशन को आप ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, जब हमें और आपको ये खबर हुआ कि 2000 का जो नोट है ये मार्केट से डिमोनेटाइज हो रहा है, तो हमने RBI पर सवाल दागना शुरू कर दिया। हमारा सवाल था कि RBI साहब, हमें आप ये बताने की कृपा करें कि आप इतना बड़ा फैसला क्यों लिए हैं। तो उनका कहना था कि एक पॉलिसी होती है। कौन सी पॉलिसी? एक पॉलिसी होती है क्लीन नोट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी। इस पॉलिसी के एक्ट, RBI का एक नियम होता है ना, RBI का एक्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट होता है 1934 एक्ट, जिसमें एक्ट 26 में उपखंड 2 है। यानी कि इस धारा के तहत किसी भी गवर्नर को ये अनुमति है कि वो किसी भी नोट को छपवा सकती है और किसी भी नोट को वो इलीगल टेंडर कर सकती है, यानी कि वो उसको मोनेटाइज भी कर सकती है, डीमोनेटाइज भी कर सकती है, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए कि उसको एक्सचेंज कर सकती है ना, तो इस योजना के तहत। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, हम आपकी बात से सहमत हैं, अब आप हमें ये बताइए कि हमें और आपको इसे फायदा क्या होगा, हाँ फायदा क्या होगा। तो उनका कहना था कि 2000 का जो नोट है ना, हम और आप जैसे लोग इसको बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो फिर इस्तेमाल कौन करता है? इस्तेमाल ये ब्लैक मनी में चली जाती है। तो फिर आपने बनाया क्यों? आपने ही तो कहा था कि 2016 में आपने ये फैसला लिया था कि 2000 का नोट हम ला ही इसलिए रहे हैं कि ब्लैक मनी खत्म हो जाए। अब 2000 का नोट जा भी रहा है यही नाम से कि ब्लैक मनी खत्म हो जाए। ठीक है, जो आपका मुद्दा हो, जैसा भी आपका फैसला हो, अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, यानी कि जो डेट इन्होंने फिक्स किया है ना, इस डेट को शिद्दत से सुनिएगा, 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक में आपके पास जो भी 2000 का नोट आपके घर में, आपके जेब में होगा, आप उसको अगर बैंक से बाहर है तो उसको जमा कर दीजिए 30 सितंबर के अंदर अंदर, एक दिन में, है ना, एक दिन के अंदर आपको 20,000 रुपए को ही आपको क्या करना है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर भाई साहब 30 सितंबर के बाद अगर आपके जेब में अगर 2000 का नोट पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं 20 रुपए का इसमें से ममोज खा लूं ना, तो आप कहेंगे भैया 20 रुपए का आप ममोज दे दो, लेकिन मैं आपको बदले में 2000 का नोट दूंगा ना, तो वो आपको 20 रुपए का ममोज भी नहीं खिलाएगा। मतलब कि इसकी वैल्यू कागज के टुकड़े के समान हो जाएगी, आप 2000 के नोट की वैल्यू इतनी डाउन हो जाएगी कि आप उसका मतलब कि ममोज खा भी नहीं पाएंगे, है ना, 2000 की वैल्यू कहीं काम नहीं आएगी। हो सकता है कि जो 5 रुपया के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, आपने देखा चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें नकली नोट आते हैं 5 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के, हो सकता है वहां पर काम आ जाए, है ना, वहां पर काम आए, जहां भी काम आए, ये दोस्तों ये हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। गवर्नर का कहना है कि हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, और जो 2000 का नोट है ना, 30 सितंबर के अंदर अंदर जहां से ये नोट आए थे वहीं पर ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बातें आपको मालूम हो गई। अब हम बात करते हैं कि भारत में ये काम पहले और कब कब हुआ है, इससे पहले भारत में कब कब नोटबंदी हुआ है, ये भी जरा सुनते जाइएगा। भारत में जो सबसे पहली नोटबंदी हुआ था 1946 में हुआ था, उस टाइम पर अपने RBI गवर्नर
जमाने का जो सबसे बड़ी नोट थी ना वो थी 10,000 रुपए का, है ना, मजा आ गया होगा सुन के, है ना, कितने का था, 10,000 रुपए का नोट था। इस नोट को क्या किया गया था, इस नोट को बंद कर दिया गया था, है ना। इसके बदले आरबीआई ने 500 रुपए का नोट निकाला, सॉरी 5,000 रुपए का नोट निकाला, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का नोट निकाला। अब 1954 में फिर इस नोट को क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, दोबारा इस नोट को चालू कर दिया गया। और इसके बाद भारत में सेकेंड टाइम 1978 में इस नोट को दोबारा बंद कर दिया गया, है ना, क्या कर दिया गया, 1978 में इसको दोबारा बंद कर दिया गया। इसके बाद भारत में तीसरी बार सन 8 नवंबर 2016 में मोदी सरकार के नेतृत्व में आरबीआई गवर्नर के तहत नोट बनाने का नया फैसला लिया गया, और वो नोट था 2,000 रुपए का नोट। इसका भी एक्सपायरी टाइम बहुत ही जल्द आ गया, है ना। भारत में जो तीसरी बार नोटबंदी हुआ वो 30 सितंबर 2023 में होने की संभावना है, हो सकता है गवर्नमेंट अपना रूल चेंज भी कर दे, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो पाकिस्तान में नोट है ना, आज के टाइम पर सबसे बड़ा नोट है वो 5,000 रुपए का, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। अब इस 5,000 रुपए की अगर आप अपने इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए ना, तो इस 5,000 के नोट को हमारे इंडिया का 500 रुपए टक्कर दे सकता है, क्योंकि न तो पाकिस्तान में रोटी है और ना ही पाकिस्तान में दाल है, है ना, न रोटी है न दाल है, वहां कुछ मिलता तो है नहीं, इसलिए 5,000 रुपए की वैल्यू बहुत कम है। हमारे इंडियन का जो 500 रुपए है ना, 5,000 के नोट को टक्कर दे सकते।